What is up, crazy people out there? This is Abhiru. Welcome to the vlog. तो thumbnail से तो आपको समझ गया रहेगा क्या सीन है. Obviously मैं जो intro है बहुत time के बाद shoot कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई proper planning नहीं था. बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी में video shoots हो रहे थे और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा दिन से active नहीं हूँ. I guess मैंने ये week के अंदर एक ही video upload की है. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. येस, वीडियो आती रहेंगी. थोड़ा से कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्क्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्क रहते हैं, बट तो भी मैं ऐसा कोई आपको रीजन्स नहीं दूंगा. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप ऑन अपडेटिंग यू, कीप ऑन अपलोडिंग यू. अगर आपको बहुत ज़्यादा अपडेट चाहिए तो यू कैन श्योरली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. चलो वीडियो कंटिन्यू करते, देखते हैं क्या सीन है. किधर है? हाँ, बहुत बड़ा सांप है यार, मर गया. आप इसका बॉडी देख के तो समझ रहे नहीं है. कौन है क्या? यस सर. तो निकाल के जाओ क्या? काढून ग्रिप में भेट लेकर बोर्ड हटा देता हूँ ताकि रास्ता क्लियर हो जाए. जिंदा है भाई साहब. स्नेक है ना, पूरा डीकंपोज्ड है, बोन्स है. चला तीन कसा जाना उचलता येईल त्याला. ट्राय करतो त्याला उचलता येईल. ठीक आहे, चेक चेक कर. डिकम्पोज है तो ये पूरा गल गया. कम कम आउट. स्नेक एंड अ मॉनिटर लिजर्ड विच वॉज ट्रैप्ड इनसाइड अ वाटर टैंक. तो अभी कितना दिन हुआ पता नहीं, द स्नेक इज ऑलरेडी डेड. तो इट वॉज अराउंड लाइक 8 to 9 feet ऑफ रैट स्नेक. रैट स्नेक था जो मर चुका है और वो मर के उसका बॉडी डिकम्पोज हो गया. देन अगेन देर वॉज दिस मॉनिटर लिजर्ड. अब बताओ
सो इज अगेन इन अ वेरी वेरी डिहाइड्रेटेड कंडीशन. उसको निकाल दिया है बट जो सांप है उसका मतलब आप समझ नहीं रहे, मतलब पूरा जो उसका बॉडी है वो अलग हो गया, ऑलमोस्ट डिकम्पोज है. फिर उसको अपने को बस निकालने का. तो या मॉनिटर लिजर्ड को निकल, मॉनिटर लिजर्ड तो निकल गई है पर जो स्नेक है वो लोग ऐसे इंसिस्ट करे कि उनको निकालो कि बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है एंड यू नो बहुत जगह सीन है. सो दे वर बेसिकली क्लीनिंग अप द टैंक और अभी ये सारा सीनारियो हो रहा है. जस्ट लेट्स चेक क्या होता है कैसे होता है एंड आई कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइस. वो जो कुछ ऐसा वाइट वाइट कलर का जो है ना वो सांप है वो पूरा गल गया है. मंटी बोलते हैं हमारा सांप हमारा काम पकड़ना है. हाँ सही बात है. मंटी साइकिल चला चला के आया बेचारा इतना दूर से. मार्शल भाई होते थे तो मस्त डायलॉग मारते थे कुछ टाइप. तो जैसे कि आप लोग ने वीडियो देखा तो ये एक बहुत 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 वर्स्ट सिनेरियो था एक रेस्क्यूअर को देखने के लिए. तो कोई भी एनिमल को डेड देखना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है एक रेस्क्यूअर के लिए, मेरे लिए बहुत 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 हर्ट हो गया जब भी मैंने वो स्नेक को देखा. और उससे भी ज़्यादा हर्ट तभी हुआ कि बेचारे लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि उनके पानी पीने मतलब पीने वाले पानी के टैंक के अंदर कुछ चीज़ें मर के गल के सड़ गई है, ऐसी सारी चीज़ें हो गई है. सो यस एक छोटा सा अवेयरनेस है आप सभी लोग के लिए. आप सभी लोग अपने सोसाइटीज़ आपका जो भी कॉलोनीज़ है कंपाउंड्स है ठीक है कॉम्प्लेक्स है उसके हमेशा ये जो वाटर टैंक्स रहते हैं ये गर्मियों के सीज़न में स्पेशली चेक कीजिए. क्योंकि बहुत बार क्या होता है मई टू अप्रैल के सीज़न के बीच में ऐसे सारे जो रेप्टाइल्स हैं ये हमेशा पानी के तलाश में ह्यूमिडिटी के तलाश में ऐसे सारे वाटर टैंक्स के पास जाते हैं. वाटर टैंक के पास इसलिए जाते कि उन्हें पानी मिल जाए या कुछ ऐसे डम्प्ट या ह्यूमिड जगह मिल जाए जहाँ पर वो अंडे या अपना एग ले कर सके. तो यस ये मई और अप्रैल के सीज़न में ही होता है. और जैसे कि मैंने वीडियो में थोड़ा पहले ही बताया कि जो स्नेक था उसको मर के आई गेस 2-3 महीने हो गए होंगे क्योंकि द बॉडी वॉज टोटली डिकम्पोज. लकीली वेरी 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 लकीली अपना जो मॉनिटर लिजर्ड है वो बच गया है. थोड़ा वीक है उसे हम थोड़ा फीड कर रहे हैं. उसको कुछ मल्टीविटामिन्स चालू कर दिए हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर और ही इज़ डूइंग फाइन. तो अभी रात हो रही है और मैं उसे जाके रिलीज़ करने वाला हूँ. ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव अ लिटिल जुवेनाइल नॉट अ जुवेनाइल अ काइंड ऑफ सेमी एडल्ट मेल. तो यस चलो जाके देखते हैं रिलीज वीडियो भी. द मॉनिटर लिजर्ड इज नो वे वेनमस. बहुत लोग अभी सोचते होंगे कि क्या इंसानों को ऐसे पानी पीने से पॉइजनिंग होगा. ब्रो श्योरली होगा क्योंकि ये जो सवाल था मुझे वो वाले जो लोकल लोग थे उन्होंने भी पूछा. मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ वो एरिया का और सोसाइटी का नाम वगैरह लेने से, आई वोंट टेक दैट नेम. पर उधर के लोगों ने भी मुझे पूछा कि ऐसे सिनेरियो में क्या पॉइजनिंग हो सकता है. तो श्योरली डूड कोई भी ऐसा डेड एनिमल कुछ भी चीज़ अगर गिर जाए पानी के अंदर वो भी पीने वाले तो आपको श्योरली पॉइजनिंग हो सकती है. पॉइजन और वेनम के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है. इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे. अगर आपके सिर के ऊपर से जा रही है तो DM करो, मैं पर्सनली समझा दूंगा ठीक है. DM करने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम मालूम होना चाहिए. अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जाओ जाके फॉलो करो. रेस्क्यूज़ की बहुत ज़्यादा अपडेट गाइस वहाँ पे मिलती रहती है और अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं फॉलो कर ले तो यू आर मिसिंग अ लॉट. जल्दी जाके वहाँ पे फॉलो करो. जो हर बार मुझे कैमरा लेके घूमना पॉसिबल नहीं होता है तो मैं मेरे फ़ोन से शूट कर देता हूँ छोटे मोटे क्लिप्स, छोटे मोटे स्टोरीज डालते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहता हूँ. तो प्लीज़ गेट इन टच ऑन इंस्टाग्राम, DM करो कुछ सीन रहेगा तो. और अभी जाते हैं देखते हैं क्या सीन है. ऑल राइट गाइस, सो दिस इज़ हाउ द मॉनिटर विच वॉज रेस्क्यूड लुक लाइक. He is a bit dehydrated. आप उसका स्किन देख सकते हो थोड़ा सा स्किनी हो गया है. आप लोग ने मेरा प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा हाउ डज अ हेल्दी मॉनिटर लिजर्ड लुक लाइक. सो वी आर गोइंग टू फीड हिम सम मल्टीविटामिन्स. अच्छा थोड़ा लोअर जो पकड़ा ना. Poor guy.
We have some fish. Maybe we'll try to feed him. Abbas ko. चलो अंदर हल्का सा पुश करो. He's a bit scared. I'll give him some time, I guess an hour, because the dose should work, and then we'll release him. He's munching a bit. Poor guy. उसे कुछ फीड नहीं मिला रहेगा आई गेस. इससे कि रे एक महीना भर तो हुआ रहेगा ना. एक मंथ तो हुआ रहेगा इसे भी. मोनिटर लिजर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग रेप्टाइल्स सो वो ऐसे टफ कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं, बट स्नेक्स आर लाइक अ बिट डेलिकेट. चलो एनीवेज वी विल गिव हिम अ रेस्ट एंड विल मीट यू इन द जंगल. ऑलराइट फैम, सो वी आर इनटू अ नाइस नेचुरल हैबिटेट. And we'll be releasing this beautiful monitor lizard. ऑलराइट फैम, तो आप लोग ने देखा किस तरीके से वो अपने नेचुरल हैबिटेट में चली गई है. उसने थोड़ा सा फिश खा लिया था, थोड़ा दोपहर में मैंने उसे चिकन दे दिया था. एंड होप सो शी गेट वेल हेल्दी बिग एंड शी रिप्रोड्यूस एंड वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए. तो यार, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. और यस, मिलते रहेंगे नए वीडियो के अंदर. इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना नहीं भूलना. सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल दैट टाइम, दिस इज़ अभिरूप. Signing out. Nothing can stop me, I'm all the way.